बुलबुल के थानेदार साहब हो गए हैं बुलबुल से नाराज, क्योंकि बुलबुल ने काम ही ऐसा किया है। दरअसल हम देख रहे हैं कि घर में जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है और काफी माहौल अच्छा था, और इतने में वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। ऐसे में वीर की माँ उन्हें कहती है कि बुलबुल को आराम करना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तो सोच ही रखा था कि विशेष की बिंदी लाऊंगी, अब मैंने सोचा कि मैं वायु का भी ब्याह कराऊंगी और उसकी बिंदी भी घर लेकर आऊंगी। मेरी माँ, मेरी कब लाओगे? जब मेरा मन करेगा तब ले आऊंगी, और तब हम लोग हो जाएंगे तीन लोग, और तुम लोग दो लोग, पत्रकार साहब आप और आपकी बिंदी दो, और हम तीन। तब आपकी इस नकचड़ी बिंदी को पता चलेगा कि घर में राज किसका चलता है। कितनी भी कोशिश कर देंगे माँ साहब, लेकिन मेरी जैसी सुंदर सुशील संस्कारी सुनाची सुनबुद्धि वाली बिंदी ना मिलेगी आपको। ऐसी नहीं अमल बुलाते सब बने। एक मिनट, कुछ भूल गई हो ना तुम? समझदार भी हो तुम, ये सब भूल गई ना? जानती हो ना, इस घर में किसी का भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इस घर की शान, सच में तुम हमेशा हमेशा इस घर की सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बेटी। लेकिन बुलबुल वहां से नहीं जाती है, और ये सब चल ही रहा था कि तभी वहां पर वाणी आ जाती है और बुलबुल को सारी बातें डॉक्टर से रिलेटेड बताती हैं। तभी बुलबुल वाणी से वादा कर देती है कि वो उन्हें डॉक्टर से मिला कर रहेंगी। इस घर में कोई डॉक्टर नहीं आएगा। बुलबुल, ये बात कभी भी अपने मुंह से मत निकालना। हाँ, उसी के लेकिन ये बात वीर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो आदमी पहले भी वाणी को चीट कर चुका है, इसीलिए वो बुलबुल पर भड़क जाते हैं और गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी बुलबुल के डैड इस सिचुएशन को संभालना चाहते हैं। अब देखना होगा कैसे बुलबुल वाणी से किया हुआ अपना वादा पूरा करती है। ऊपर हाँ, यहाँ पे कब जब बनाऊंगी तब बना दूंगी। तो तीन लोग हो जाएंगे और फिर तीन लोग दो लोग। एंड फॉर मोर सच टेलीटाउन अपडेट स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।